नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम अप्रैल मई माह के समसामयिक घटनाक्रम लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण फैक्टरों को हमने शामिल करने का प्रयास किया है। अप्रैल मई का यह प्रथम वीडियो होगा, एक वीडियो और हम लेकर आएंगे तो पूरे अप्रैल मई माह का घटनाक्रम कवर हो जाएगा। तो आइए अप्रैल मई माह के प्रमुख घटनाओं को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अम्फान चक्रवात के बारे में। तो अम्फान चक्रवात 21 मई को बंगाल की खाड़ी में पैदा हुआ था तथा 21 मई को बंगाल के तट से टकराया था, और इस चक्रवात से भारी तबाही जो हुई थी पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में हुई थी। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि इस चक्रवात की गति कितनी थी, तो इसकी गति औसत लगभग 119 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नेक्स्ट है भारत नेपाल सीमा विवाद उठा हुआ था इस दौरान। तो क्या हुआ कि नेपाल ने एक नया मानचित्र अपना जारी किया है, राजनीतिक मानचित्र, जिसमें काला पानी, लिपु लेख तथा लिम्पिया धुरा सहित 372 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा बताया है। जैसा कि ये तीनों क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों के कुछ बैंकों का आपस में विलय कर दिए गए थे, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इन फैक्टरों को अच्छी तरह जान लेते हैं। पहला है कि भारत में अब सार्वजनिक बैंक संख्या 12 रह गई है इनके विलय के बाद। अब इसको याद करने के लिए आसानी से आप याद कर लिए कि एक दर्जन ही बैंक भारत में रह गए हैं सार्वजनिक बैंक। 10 बैंकों में से 6 बैंकों का विलय कर 4 बैंक बना दिया गया, और यह विलय प्रभावी कब हुआ? तो यह विलय प्रभावी हुआ वित्तीय वर्ष 2021 की शुरुआत से, यानी 1 अप्रैल 2020 से। और इसमें किन बैंकों का किस बैंक में विलय हुआ ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय यूबीआई यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, नहीं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूबीआई का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया, तथा आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न में पुरस्कार से संबंधित जो फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। तो व्यास सम्मान दिया गया हिंदी लेखिका नासिरा शर्मा को। नेक्स्ट है कि धर्म के क्षेत्र का पुरस्कार होता है टेम्पल्टन पुरस्कार, तो वो ये पुरस्कार दिया गया है फ्रांसिस कॉलिंस को, जो एक वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और धर्म के क्षेत्र में भी इन्होंने कुछ काम किया है। यह पुरस्कार होता है $13 लाख का, ये बहुत बड़ी धनराशि का पुरस्कार होता है। और नेक्स्ट है चमेली देवी पुरस्कार, यह पत्रकारिता के क्षेत्र का प्रसिद्ध पुरस्कार है, चमेली देवी जैन पुरस्कार। ये दिया गया अरफा खानम शेरवानी को। और नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार, जो कि गणित का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है, इसे दिया गया फस्टेन वर्ग तथा मार्वलिस को। नेक्स्ट है पिट जकर पुरस्कार, तो यह वास्तुकला का प्रसिद्ध पुरस्कार है, और यह मिला है यबोनी फेरेल व माइकल मारा को। अब देखते हैं विशाखापत्तनम गैस रिसाव को। जैसा कि
6 और 7 मई की रात को विशाखापत्तनम में औद्योगिक दुर्घटना हो गई जिसमें कि गैस का रिसाव हो गया। तो यह गैस कंपनी थी दक्षिण कोरिया की एलजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड थी। इसमें स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था। स्टायरिन गैस कृत्रिम रबड़ व रेजिन बनाने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न में विश्व हथियार बाजार संबंधी रिपोर्ट देख लेते हैं। सिपरी एक संस्था है स्टॉकहोम की, स्वीडन की, जिसका फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने 2020 में रिपोर्ट जारी की है और यह रिपोर्ट 2015 से 19 के बीच की हथियार आयात निर्यात के आधार पर है। तो इसमें विश्व के 5 सबसे बड़े आयातक राष्ट्र हैं। सऊदी अरब नंबर 1 है, दूसरे स्थान भारत, तीसरा मिस्र, चौथा ऑस्ट्रेलिया और पांचवा चाइना है। नेक्स्ट में देखते हैं सबसे बड़े निर्यातक कौन है। तो सबसे बड़ा निर्यात करता है विश्व को अमेरिका, उसके बाद रूस, फ्रांस, जर्मनी है। नेक्स्ट है कि सऊदी अरब कुल विश्व आयात का 12% आयात करता है, जबकि भारत विश्व आयात का 9.2% आयात करता है। अब देखते हैं भारत विश्व में किस देश से सर्वाधिक हथियार आयात करता है। तो भारत सर्वाधिक आयात करता है रूस, इजराइल तथा फ्रांस से। नेक्स्ट है कि भारत के हथियार आयात में 32% की गिरावट इस अवधि में दर्ज की गई, यानी 15 से 19 की अवधि में। नेक्स्ट में हम कुछ विविध तथ्यों को देख लेते हैं। वाला फैक्ट है कि विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने जो अभियान चलाए थे उसमें एक कोविड-19 के दौरान वो था एक वंदे भारत अभियान था, दूसरा था समुद्र सेतु अभियान। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर के छोटे द्वीपीय राष्ट्रों के लिए भारत ने एक अभियान चलाया था जिसके अंतर्गत हिंद महासागर के छोटे देश जो हैं जैसे मालदीव, मेडागास्कर आदि के लिए, तो उसके लिए मिशन राहत अभियान चलाया था। नेक्स्ट है कि रंजन गोगोई राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत। नेक्स्ट फैक्ट है कि इराक में मुस्तफा कादिमी नए पीएम बने हैं। अगला है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान 144वां है और इसे प्रथम स्थान कभी कभी पूछ देता है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में कौन प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान फिनलैंड का है, दूसरा डेनमार्क का है तथा अंतिम स्थान जो है अफगानिस्तान का है। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 19 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण 563 अरब डॉलर का था। नेक्स्ट है कि मुद्रा स्फीति के कारण ईरान की नई मुद्रा होगी, उसका नाम क्या होगा, तोमान। ईरान की वर्तमान में मुद्रा क्या है, रियाल है। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विभाग ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके अधिकृत क्षेत्र के मुजफ्फराबाद, गिलगित, बल्टिस्तान के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया और पहली बार जारी किया। नेक्स्ट है
इसमें कोविड 19 की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को भी जानना जरूरी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है इसमें, तो वह टेड्रोस घेब्रेयस, टेड्रोस होगा ये घेब्रेयस। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि इसराइल में एक वर्ष के अंदर तीसरी बार चुनाव हुए और इस चुनाव में लिक्विड पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने, तो एक कुल चौथी बार बने हैं, तो चौथी बार है, अरे पांचवी बार प्रधानमंत्री बने, जबकि लगातार कितनी बार बने, तो ये लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया, WHO से। इसने आरोप लगाया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन के नियंत्रणाधीन पूरी तरह आ चुका है, जबकि अमेरिका कहता है कि हम WHO को सर्वाधिक फंडिंग करते हैं, उसके बावजूद WHO चीन की बात मान रहा है और उसने सही समय पर कोविड 19 की जानकारी नहीं थी, जिससे कि ये पूरे विश्व में फैल गया और सर्वाधिक तबाही का सामना इसको अमेरिका को करना पड़ा। तो दोस्तों, ये अप्रैल मई माह के महत्वपूर्ण समसामयिकी प्रश्न थे, इससे संबंधित और भी तमाम फैक्ट हैं जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसको उन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे और आप लोग आगामी परीक्षाएं जो होने वाली है, खंड शिक्षा अधिकारी या PCS या लोअर की परीक्षा देना, सेवा चयन या रेलवे वेलवे आदि जो भी परीक्षाएं होंगी, उसमें ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं अप्रैल मई संबंधित, उसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी आप लोग अपना पुस्तक भी पढ़ते रहिए, इसको हम शॉर्ट रूप में करके लाते हैं ताकि कम समय में आप लोगों को रिवाइज हो सके और महत्वपूर्ण तथ्यों पर आप अपना फोकस कर सकें। तो आप लोग बीच बीच में जब भी आप लोगों को समय मिले या पढ़ते पढ़ते आप किताब से उब जाएं, तो बीच बीच में अपना ये वीडियो चला के अपना जो है ज्ञान बढ़ाते रहिए और महत्वपूर्ण तथ्यों को बार बार रिवाइज करिए, तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। वीडियो देखने के बाद यदि आपको ये सब जानकारियाँ अच्छी लगी हों, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा यदि चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पुनः उपयोगी जानकारी लेके प्रस्तुत होंगे।